दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्सलोजिया एंड एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आर डी शर्मा का 6.1 का 8th पार्ट, जिसमें कि आपको 80 से 87 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपको दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने 7 पार्ट्स कवर किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। सेशन का 81वां क्वेश्चन आपके सामने है। सेशन का 81वां क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एम है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू एन है। तो हमें एम एन की वैल्यू बतानी है। तो लेट, मैंने यहाँ पर लिया क्या, टेकिंग एल एच एस, मैंने यहाँ पर ये लेट हटा दीजिए, टेकिंग एल एच एस, तो एम एन यहाँ पर मिलेगा आपको। और एम एन एन की वैल्यू देखेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके। ये वाली बात आप जब लिखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, और यहाँ पर कोसेक थीटा का स्क्वायर। जब आपको ये वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 1, जो कि आर एच एस होगा, ओके। ये एक आइडेंटिटी होती है, जो कि 1 की आइडेंटिटी होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 को देख लीजिए, 82 भी बहुत ही आसान है, जो कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में से कवर करा चुका हूँ। आप इसे वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, कॉस को इस साइड ले लिया है, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली वो रहेगी साइन स्क्वेयर ए, यानी कि कॉस ए की वैल्यू आपको साइन ए मिल चुकी है। अब आप यहाँ इस पार्ट में देख लीजिए, इस पार्ट को मैं यहाँ पर करूँगा एल एच एस में। तो एल एच एस में मुझे मिला क्या, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन 4 ए, ओके। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर, ओके। इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कॉस ए है और स्क्वेयर ऑलरेडी इसके ऊपर है। तो ये तो आइडेंटिटी 1 होती है भाई, यही आपका आर एच एस था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 का मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें दो पार्ट हैं, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन से मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी सेम हैं, आप खुद करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ इसमें, टेकिंग एल एच एस। तो जब मैंने एल एच एस ले लिया है इस पार्ट को, तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि रूट के अंदर जो भी टर्म आपके पास हैं उनका आप जो है सेक थीटा माइनस वन और सेक थीटा प्लस वन, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, सेक थीटा माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर भी सेक थीटा माइनस वन हो जाएगा, प्लस आप यहाँ पर रूट लगाएंगे अगेन, और यहाँ पर इस वैल्यू का अगेन से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन, ओके, ये वैल्यू रहेगी। जब आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी तो आप इसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगेन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये वाली बात अगर मैं देखूँ तो ये वाली बात होती है सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये वाली बात जो होती है वो होती है टेन स्क्वायर थीटा। प्लस यहाँ पर ये बात देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखें, करना क्या है कि अभी यहाँ से हमें रूट को कैंसिल आउट कर देना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको सेक थीटा टेन थीटा और प्लस वन अपॉन टेन थीटा, यानी कि मैंने सिंगल सिंगल पार्टों में लिख लिया है, और अंडर रूट यहाँ पर आपको ये मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टू से ये टू कैंसिल आउट होगा, इस टू से ये टू कैंसिल आउट होगा। तो मैं इस वाले पार्ट को भी इसी तरीके से एक्सपेंड कर लूँगा। ये पार्ट मिलेंगे आपको सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी प्लस सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा,
ओके तो देखें ये इस वाले पार्ट से माइनस प्लस का है, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ आपको ये वाला पार्ट दोनों ऐड हो जाएगा, और जब दोनों पार्ट को ऐड करूँगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा आपको sec थीटा, यही आपका RHS है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से, और इसी के बेस पर आपके 83 के फोर्थ पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसे करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता आपको मुझे कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में देख लेते हैं, 84 में क्या है, 84 यहाँ पर आपको देखिए ये साइन की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर ये इस बात को कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इसे देख लीजिए कि ये क्या वैल्यू आ रही है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसे देख लेते हैं किस तरीके से करना है। देखें जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, देखें साइन 4θ³ मिला। क्या मिला, साइन 4θ³ क्यों मिला, तो क्योंकि 12 है तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 6 को लिख सकता हूँ साइन 2θ³ लिख सकता हूँ, इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके यहाँ पर देखें साइन 2θ यानी कि ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर देखिए 3 ए का स्क्वेयर, ए थीटा का स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2θ प्लस 3 साइन 4θ और यहाँ पर इसकी वैल्यू का स्क्वेयर, थीटा आएगा यहाँ पर और इसका स्क्वेयर। देख लीजिए अब ये आइडेंटिटी जो बनी वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b और यहाँ पर प्लस 3ab² बना, यानी कि एक फॉर्म ऐसी बनी जिससे कि आपका एक आइडेंटिटी बन रहा है। बाकी पार्ट को आप सिमिलर यहाँ से देखिए, ये पार्ट जो बचे हुए हैं इन पार्ट को यहाँ पर लिख लीजिए, नो इशू, यहाँ पर आप लिखिए इसे, तो 2sin⁴θ प्लस 2sin²θ। ओके 2sin²θ यहाँ पर प्लस है, 2sin²θ माइनस 2, ये वाला बात हो गया, और LHS में हम काम कर रहे हैं तो LHS हमने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी sin⁴θ प्लस sin²θ का होल क्यू, क्या बनेगा होल क्यू, प्लस आप देखेंगे यहाँ से आप लेंगे कॉमन, यहाँ से आप कॉमन लेंगे 2sin²θ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी वो रहेगी sin²θ प्लस 1। ओके sin²θ प्लस 1 जो वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नो इशू के इसमें आपको कॉस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे ऐसे कैसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसे आप लिखेंगे 1 cos θ, नहीं आप इसे कुछ इस तरीके से ही लिखा रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा कैंसिल करिए, यहाँ पर इसे इस तरीके से ही लिखा रहने दीजिए 2sin⁴θ और प्लस 2sin²θ माइनस 2। ओके यहाँ पर देखिए कि इस साइन को 4 को मैं इससे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि आप देख पा रहे होंगे cos⁰ की वैल्यू जो मिल रही है वो sin²θ मिल रही है, cos⁰ की जो वैल्यू मिल रही है वो sin²θ मिल रही है, तो समझ रहे हैं ना, देखिए cos⁰ जहाँ जहाँ होगा वहाँ sin²θ हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे क्या कि यहाँ पर sin⁰ है, यहाँ पर sin⁰ है, sin²θ है, तो sin²θ की जगह मैं cos⁰ रख सकता हूँ, या यहाँ से sin²θ दो पार्ट में आएगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ cos²θ आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा cos²θ प्लस sin²θ और होल क्यू बाई फर्स्ट, यानी कि इस वाले पार्ट से बाई फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा बाई फर्स्ट, से मैंने इसमें चेंज कर दिया है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर मैं करूँगा 2cos²θ प्लस 2sin²θ। ओके ये वाली बात मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पर आएगा माइनस 2। क्लियर क्लियर, देखें ये तो होता है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 का क्यू प्लस यहाँ से आएगा 2 कॉमन, यहाँ बचेगा cos²θ माइनस sin²θ, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस 2, तो देखिए माइनस 2 से पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 होगा, प्रोडक्ट करने पर ये होगा, तो ये आपका आंसर आएगा 1, तो 1 आपका RHS है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही डीप इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो आराम से आ जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड करा दूंगा,
इजी फॉर्म में एक सिंगल वीडियो में, यानी कि 2 या 3 मिनट की एक वीडियो बनेगी, उसमें मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 85 इसमें बाय मिस्टेक छूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। 86 देख लेते हैं। 86 में आपके सामने है देखिए ये वाली फॉर्म, और हमें प्रूव करना है ये। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पार्ट को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, यानी स्क्वेयरिंग और बोथ साइड कर दिया है। जब मैंने इसका स्क्वेयरिंग किया तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो रहेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा और प्लस 2 sin थीटा और कॉस थीटा। ओके, इजिक्वस टू में एक्स स्क्वेयर मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली वैल्यू तो होती है 1, तो यहाँ पर मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा इजिक्वस टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। 2 का डिवाइड दिया, साइन थीटा कॉस थीटा मिला, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 1/2 मिलेगा। तो ये वाली बात हो गई। अब आपको देखना ये है कि आपको वैल्यू है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा आपके पास वैल्यू है। इस वैल्यू को सॉल्व करके आपको ये वाली वैल्यू लानी है, यानी कि आप इस वैल्यू को सॉल्व करके इस वैल्यू को लाइए तो हो जाएगा। तो देख लेते हैं, आपको करना ये है कि आपको इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए या क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखें, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि आपको सिंगल फॉर्म में देखें तो ए प्लस बी है, सॉरी ए 4 नहीं होगा, क्योंकि भाई एक ब्रैकेट में आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और ए बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू अगर देखेंगे तो माइनस का ए बी साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ये होता है 1, यानी कि ये एब्सोल्युटली ख़त्म ही हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू बचेगा वो ये बचेगा। जब आपके पास ये वाली वैल्यू बचेगी, ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास ये वाली वैल्यू बचेगी तो मैं इस वैल्यू को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 2 sin थीटा 2 sin स्क्वेयर जोड़ देता हूँ और 2 sin स्क्वेयर घटा देता हूँ। तो जब मैंने इसको यहाँ पर देखा तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर बन जाएगा जब मैं इसमें जोड़ूंगा, और यहाँ पर जो मिलेगा मुझे मिलेगा 3 sin स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पर इसमें मैंने प्लस किया है और माइनस किया है, प्लस और माइनस किया है क्या, 2 sin स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा, ये मैंने इसमें प्लस और माइनस किया है। जब मैं इसे प्लस माइनस करूँगा तो ये एक आइडेंटिटी बना लेगा, आइडेंटिटी ये वाली बन जाएगी, इसे मैंने सेपरेट लिख लिया है, और इस वाली बात को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यानी कि एक तो मैंने ऐड किया है और एक को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो यहाँ पर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। जब आप देखेंगे ये वाली वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया। माइनस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये तो 1 तो 1 ही रहेगा। जब इसकी वैल्यू देखेंगे आप, तो आपको वैल्यू के नाम पर आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यही आपका पार्ट है कौन सा, ये वाला। यानी कि यही हम पहले आपको प्रूफ कर चुके थे कि ये इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। अगेन आप देखेंगे तो 1 - 3 x² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। जब एलसीएम लूँगा तो 4 - 3 x² - 1 का होल स्क्वायर 4, और यही आपका प्रूफ करना था, यानी कि यही आपका आरएचएस था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 86 आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 यानी कि लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमें सिंपल पता है कि एक्स स्क्वेयर चाहिए, वाई स्क्वेयर चाहिए और जेड स्क्वेयर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर किया एक्स स्क्वेयर किया, तो यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर फाई। ओके, फाई है भाई, ये फाई साई नहीं, फाई। यहाँ पर देखा बी वाई स्क्वेयर देखा, तो बी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा
और यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वेयर फाई। ओके, यहाँ पर देखा जेड, जेड का स्क्वेयर किया तो यहाँ पर मिलेगा आपको सी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। ओके, ये तीन पार्ट आपको मिले हैं, और जो तीन पार्ट मिले हैं तो इस वाले वैल्यू रख दीजिए। जब आपने एक्स की वैल्यू रखा तो यहाँ मिलेगा ए सेक स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई। ओके, ये वाली वैल्यू मिली। यहाँ पर आपको मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू रखी तो यहाँ पर मिलेगा वाई बी स्क्वेयर, यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की जब आपने बात की तो यहाँ पर मिलेगा जेड स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। ओके, यहाँ पर सी आएगा, सी सी ये गलत हो गया भाई, यहाँ पर सी आएगा डाउन में, इस वाली पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या है सी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा और अपॉन में जो वैल्यू है वो है सी स्क्वेयर। ओके, तो देखिए यहाँ ए से ए कैंसिल आउट होगा, बी से बी कैंसिल आउट होगा और सी से सी कैंसिल आउट होगा, यानी ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी सेक स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस सेक स्क्वेयर थीटा थीटा साइन स्क्वेयर फाई। ओके, प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये सॉरी प्लस की जगह पर भी यहाँ पर भाई एक मिस्टेक और है, ये माइनस आएगा तो यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मैंने क्या किया सेक स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई। ये तो होता है वन, जब ये वन हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा और ये भी आपका क्या होता है वन, इसे कहते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 87 और आज के सेशन में आपको मैंने बताया था कि आपको 80 से 87 तक के सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि RD शर्मा के 6.1 के हैं। अगर आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि RD शर्मा एंड NCERT का फुल कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।